हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कुछ एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं ट्रस के ऊपर। तो आप यहाँ पर न्यूमेरिकल देख सकते हैं। डिटरमाइन द फोर्स इन द ट्रस एज शोन इन फिगर। ठीक है, ये ट्रस है, इसमें आपको फोर्सेस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो और यहाँ पे जो लोड लग रहा है वो दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल लोड ऑफ 16 किलोमीटर यहाँ पर लग रहा है किलो न्यूटन, और 24 किलो न्यूटन ये वर्टिकल लोड लग रहा है। आपको सारे मेंबर में फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं मेथड ऑफ जॉइंट से। तो मोमेंट लेते हैं बी के अबाउट, तो लिख देता हूँ मैं, टेकिंग किसी के अबाउट ले सकते हैं, मोमेंट अबाउट बी। ठीक है, बी के अबाउट मोमेंट लेते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, ये फिक्स सपोर्ट है, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिएक्शन होगा और एक रिएक्शन इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए हॉरिजॉन्टल होगा, जो कि आपका इस तरह से ऑब्वियसली एक्ट करेगा। तो इसके बाद हम ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने किया आर ए मल्टीप्लाइड बाई दिस, आर ए, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी इसमें दी हुई है क्वेश्चन में, ये यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, और फिर ये डिस्टेंस, ये भी आपका 2 मीटर दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा आर ए मल्टीप्लाइड बाई फोर। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, इसका जीरो हो जाएगा क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहीं पे आके मिल रही है ना, और ये इसके बाद कैसा मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, क्लॉकवाइज। ऐसे ही हम इसकी बात करें, ये भी कैसा मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी आपका क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 16 इंटू इसकी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये वाली 1.5 इक्वल। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये कैसा मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो 24 इंटू 2, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 16 इंटू 1.5, तो आर ए इंटू 24 प्लस 24, आर ए मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल्स 24, और यहाँ पे 24 2 जा 48। ठीक है, तो आर ए इंटू 4 इक्वल्स आ जाएगा 48 माइनस 24, तो ये आर ए आ जाएगा आपका 24/4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी 6। आर ए कितना आ गया आपका, 6 किलो न्यूटन। ठीक है, तो आर बी कितना हो जाएगा, तो आर बी ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, 18 किलो न्यूटन, क्योंकि आर ए प्लस आर बी है ना, वर्टिकल रिएक्शन कंपेयर करें तो 24 है ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे रिएक्शन लग रहा है कि यहाँ पे रिएक्शन लग रहा है, तो मैं लिख भी देता हूँ इसमें, आर ए प्लस आर बी इक्वल्स क्या है, 24 किलो न्यूटन। ठीक है, तो आर ए हमारा कितना है, 6 प्लस आर बी इक्वल्स 24, तो आर बी इक्वल्स क्या आ जाएगा, आर बी इक्वल्स आ जाएगा 24 माइनस 6, मीन्स आर बी की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी 18 किलो न्यूटन। ठीक है, ये आर बी की वैल्यू आ गई। इसके बाद आपको बाकी जगह फोर्सेस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं पॉइंट ए कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, लेट अस कंसीडर जॉइंट ए। ठीक है, तो जॉइंट ए को यदि मैं कंसीडर करूँ, तो जॉइंट ए पे क्या लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है कितना, अभी आ रहे हमने निकाला है 6 किलो न्यूटन, एक इधर लग रहा है ए सी। ठीक है, ए सी, और एक आपका ये लग रहा है। ठीक है, ये आपको एंगल भी दिए हुए हैं, इसमें एंगल की वैल्यू है, एंगल को थीटा दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो एंगल की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसान, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर लें। ठीक है, कंसीडर ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, मैं यहाँ पर शो कर दे रहा हूँ, कंसीडर ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है और आपका बेस की वैल्यू है, तो टेन थीटा
इक्वल्स क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ये आ जाएगा थीटा इक्वल्स टेन इनवर्स 1.5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये है 1.5 डिवाइडेड बाई 2 और शिफ्ट टेन इनवर्स, आंसर ये आ गया 36.86 आ रहा है, तो मैं इसको 37 कंसीडर करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद अब देखो, हमने यहाँ पे ही कंसीडर किया इसकी वैल्यू 37 है, ठीक है, 37 इसकी वैल्यू आ गई। ओके, अब इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये फोर्स लग रहा है जो AD फोर्स लग रहा है, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इसका एक कंपोनेंट ये चूँकि ऊपर की तरफ लग रहा है तो यहाँ पे ऑब्वियसली इसको बैलेंस करने के नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो इसका ये दो कंपोनेंट हो गए, ठीक है। दो कंपोनेंट कौन से, एक इसका कंपोनेंट ये हो गया और दूसरा कंपोनेंट आपका ये, ये 37 है तो ये भी 37, ठीक। तो ये जो कंपोनेंट है इसका नाम हो जाएगा FAD cos 37 और ये हो जाएगा FAD sin 37, ठीक है। ओके, और यहाँ पे ये लग ही रहा है और आपका इधर ये रिएक्शन लग रहा है 60 किलो न्यूटन को बैलेंस करने के लिए, तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं है कंसीडर करने के लिए। तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को मैं लिख देता हूँ HA, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, रिजॉल्व वर्टिकल, ठीक है। तो रिजॉल्विंग वर्टिकली, वर्टिकल जब आप रिजॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, बेसिकली वर्टिकल आप रिजॉल्व करोगे तो ये वाला कंपोनेंट FAD sin, ठीक है, FAD sin 37 इक्वल्स 6 किलो न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ से FAD इक्वल्स क्या आ जाएगा, 6 अपॉन sin 37, ठीक है। तो ये लिख लीजिए आप यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई sin 37, तो ये आ गया आपका 9.96, तो FAD इक्वल्स आ गया 9.96 न्यूटन, किलो न्यूटन ऑब्वियसली, सारी यूनिट किलो न्यूटन में, तो ये भी किलो न्यूटन में आएगा। अब इसको रिजॉल्व करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। तो रिजॉल्विंग हॉरिजॉन्टली, लेट अस सी, तो रिजॉल्व हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका HA प्लस ये वाला कंपोनेंट FAD cos 37 इक्वल्स FAC। तो HA की वैल्यू कितनी है, ये HA की वैल्यू कितनी होगी, जितना आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है 16 किलो न्यूटन, ठीक है। तो 16 प्लस FAD अभी हमने कैलकुलेट किया है, इसकी वैल्यू कितनी आई, 9.96। तो 9.96 cos 37 इक्वल्स FAC, ठीक है। तो 9.96 लिखा हुआ है, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं cos 37 का, ये आ गया, प्लस कर देते हैं 16, तो ये आ गया 19.19, ठीक है। ये आ गई आपकी FAC, ठीक है। जो मेंबर AC में फोर्स है वो आपका कैलकुलेट हो गया यहाँ पे। अब हम कंसीडर करते हैं जॉइंट B, ठीक है, जॉइंट B को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, कंसीडरिंग जॉइंट B, तो B को कंसीडर करेंगे तो B में एक ये लग रहा है आपका फोर्स इधर, ये की कंपोनेंट है और आपका एक ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो ये RB है, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, RB कितना निकाला है आपने, RB की वैल्यू आपका निकला है ये 18 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये 18 हो गया, ये थीटा है, ये भी थीटा, ये भी थीटा, इसकी वैल्यू 37। अब ये B है, ये C है, ये D है, ये 37 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर नीचे डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इसका एक कंपोनेंट ये हो गया, इसका एक कंपोनेंट ये हो गया, ये 37 है, ये भी 37, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो ये हो जाएगा FBD cos 37 और ये क्या हो जाएगा FBD sin
37, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फर्दर हम इसको फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, रिजॉल्विंग वर्टिकली। तो वर्टिकली जब आप रिजॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एफ बी डी साइन 37 किसके इक्वल होगा, आर बी के इक्वल्स होगा। तो आर बी इक्वल्स एफ बी डी साइन 37, ठीक है। तो आर बी की वैल्यू है आपके पास, ठीक है, आर बी की वैल्यू कितनी है, आर बी की वैल्यू है आपके पास 18, ठीक है। तो यहाँ से 18 इक्वल्स एफ बी डी साइन 37, ठीक है। तो एफ बी डी इक्वल्स हो जाएगा 18 अपॉन साइन 37, ठीक है, 18 डिवाइडेड बाई साइन 37। तो ये है एफ बी डी की वैल्यू आ गई आपकी 29.9 किलोमीटर, ठीक है, एफ बी डी आ गया। अब एफ बी डी के बाद आप हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व कर दीजिए, ठीक है, रिजॉल्व हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टल आप रिजॉल्व करेंगे तो क्या है, बेसिकली इसका एक ये किधर लगेगा कम फोर्स, ठीक है, और एक आपका ये वाला कंपोनेंट है। तो आपका एफ बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, एफ बी सी आ जाएगा आपका एफ बी डी कॉस 37, ठीक है। तो एफ बी सी इक्वल्स एफ बी डी वैल्यू अभी हमने निकाला है 29.9 है, इसमें कॉस 37 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 23.88 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये सारे फोर्सेस आपके इस तरह से कैलकुलेट हो गए। एक बार मैं डायरेक्शन और दिखा देता हूँ आपको, तो जस्ट ए मिनट, लेट अस सी रिएक्शन से। अब आपने देखा ये फोर्स लग रहा है, ये आपका एफ ए डी, ठीक है, एफ ए डी नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये कैसा नेचर हो गया, इसका कंप्रेसिव हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने देखा ये फोर्स है आपका एफ ए सी, ठीक है, एफ ए सी, तो ये इस तरफ लग रहा है इसको बैलेंस करने के लिए, तो ये कैसा हो गया, ये आपका टेंसाइल हो गया, ये अवे फ्रॉम द जॉइंट है तो टेंसाइल हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने देखा यहाँ पे बी पे, ठीक है, तो ये टॉर्ट्स लग रहा है, एफ बी डी टॉर्ट्स लग रहा है, तो एफ बी डी क्या हो जाएगा आपका, एफ बी डी हो गया आपका, सॉरी ये एफ बी डी है, तो एफ बी डी कैसा हो गया, कंप्रेसिव हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अभी फ्रॉम द लग रहा है बी सी, ये क्या हो गया, टेंसाइल हो गया,